चलिए बुलेटिन में अब रुक करते हैं बड़ी खबर का। श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर, कार में सवार होकर आए तीन बदमाशों ने की फायरिंग, 8 राउंड अंधाधुंध फायरिंग कर बदमाश हुए फरार। जवाहर नगर थाना के सुखाड़िया नगर सेक्टर 1 में हुई वारदात, इस वारदात की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे। आपको बता दें श्रीगंगानगर पुलिस ने जिले भर में नाकाबंदी करवाई है, तो वहीं ये बड़ी खबर इस वक्त श्रीगंगानगर से, और साफ तौर पर ये तस्वीर बयां करती है किस तरीके से बदमाश बेखौफ हो चुके हैं। कार में सवार होकर तीन बदमाशों ने फायरिंग की, 8 राउंड अंधाधुंध फायरिंग की है, तो वहीं फायरिंग करने के बाद बदमाश फरार हुए हैं। जवाहर नगर थाना के सुखाड़िया नगर सेक्टर 1 में ये पूरी वारदात हुई। श्रीगंगानगर पुलिस ने कार्रवाई कर जिले भर में नाकाबंदी की है और जिले भर में नाकाबंदी करवाई गई है। सुबह 5:30 बजे का मामला, एक आइटन गाड़ी पे 3 जने आए जिन्होंने अंधाधुंध गली के अंदर फायरिंग की और साथ ही साथ रवानगी ले गई। कितने लोग थे ये? 3 लोग हैं। गाड़ी के जो दृश्य के अंदर दिखते हैं 3 लोग हैं। ऐसे घटनाएं तो शहर में चल ही रही है, इस घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन को थोड़ी सी सख्ती बरतनी पड़ेगी। हमारे गेट के ऊपर सुखाड़ी नगर फर्स्ट के अंदर हमने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, चौकीदार भी हमारे सब कुछ, अब सुबह 6 बजे गेट खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, उसके बाद इन्होंने ये ऐसी हरकत की। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील सिहाग हमारे साथ जुड़ चुके। तो सुनील, देखिए जो तस्वीर है किस तरीके से बदमाश बेखौफ हो चुके, साफ बयां करती है। बिल्कुल आयुषी, इस मामले में आपको बता दूं, ये सुबह जल्दी की घटना है। तीन जो बदमाश जो आए थे कार में सवार होकर अंधाधुंध फायरिंग की, उन्होंने करीब 8 राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि कोई व्यापारी या कोई वहां का जो निवासी कोई आगे नहीं आ पाया, किसको या पहले कोई धमकी मिली हो या इसी के चलते या दहशत फैलाने के चक्कर में बदमाश यहां पे पहुंचे हो। कहीं ना कहीं इस तरीके की जो वारदातें हैं गंगानगर में पहले भी हुई हैं, और जितनी भी वारदातें हुई है फायरिंग की उसमें श्रीगंगानगर SP राजन दुष्यंत के निर्देश पर सबको अब तक बदमाशों को पकड़ लिया गया है। ये जो घटना हुई है शायद किसी ने किसी आयुषी व्यापारी से फिरौती मांगने की घटना हो सकती है या उस दहशत फैलाने के चक्कर में बदमाश यहाँ पे आए हैं। फिलहाल जो बदमाश है वो फरार हो चुके हैं, जिले भर में नाकाबंदी करवा दी गई है। बीती रात आयुषी इसी तरीके की एक घटना थी, एक बच्चे को अगवा किया गया था और तुरंत पुलिस ने नाकाबंदी करवाई, 2 घंटे बाद ही वो बच्चा सुरक्षित मिल गया था। कहीं ना कहीं इस वारदात जो इस तरीके की वारदातें हो रही है गंगानगर के अंदर, तो पुलिस तुरंत एक्शन ले रही है और उसमें कामयाबी होती दिखती जा रही है। हालांकि SP राजेंद्र दुष्यंत का इस मामले में कहना है कि जल्दी इन बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा। बिल्कुल सुनील, और ये कब की घटना बताई जा रही है? बिल्कुल आयुषी, थोड़ी देर पहले की घटना है, करीब अल सुबह जैसे ही सूरज निकला करीब 6 और 5 बजे के बीच की घटना है। तो बदमाश थे जो सुखाड़िया नगर वन के अंदर पहुंचे और कार में I-20 कार के अंदर 3 बदमाश बताए जा रहे हैं। तीनों बदमाशों ने बाहर निकले और अंधाधुंध फायरिंग की, 8 राउंड फायरिंग की है और जो फायरिंग में जो होल है कारतूसों के वो वहीं पे जमीन पे गिर गए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पे पहुंची है और कारतूस के खोल कब्जे में लिए। CCTV जो पुलिस है वो पूरे जिले भर में CCTV फुटेज देख रही है ये कार कहाँ निकली है, कहाँ इन बदमाशों को पकड़ा जाएगा। अभी तक जो छानबीन है वो जारी है। हालांकि पंजाब जो इस तरीके के बदमाश है जो पंजाब में भाग जाते हैं वारदात करके, पंजाब सीमा में अपने यहाँ से 5 किलोमीटर दूर ही पंजाब सीमा लगती है, तो यहाँ पे इस तरीके के बदमाश है जो पंजाब से आते हैं तो लूटपाट कर वहां से पंजाब में भाग जाते हैं। फिलहाल जो पुलिस है जो इन पुलिस बदमाशों को पकड़ने में पीछे लगी हुई है। जी सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।